सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार बलिदान भोल सांचे दरबार के जय श्री गणेशाय नमः वक्रतुण्ड त्रिशूलचंद्रायणे महावृजोदायिने
नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भसंभवा ततः सौनाशुरिश्चाले गन्धाधवनिवासने पुनर्प्योत्रेण रूपेण प्रभृतले अवतीर्या नैजामि व्यपजन्ता सुदानवान् भक्षयन्ता च धानग्रां व्यपजन्ता महाधनान् रक्ता दन्ता बलैश्चन्दे दानमेकसमापमा तदा मां देवता स्वर्गे पञ्चलोके जपान् वा सुबन्धया हरिश्चन्दे चतुरक्षदन्तिका भूयश्चा चतुर्वर्षिक्षा मनाधैश्चा मनम्पति मुनिभिः संसदा भूम संप्रविश्यामि यान्या तथा जलेन नेत्राणां नरेश्यामि यन्मने दिव्यजन्मनयः सदा क्षेमिमानः महाजनम् दुर्गाधेयेन भविष्यति पुनश्चाहिमाजले रक्षाधेवश्यामि पुण्यहासानकारिणात् तदा मामनिया सर्वे श्वसन्ध्यानम् ब्रह्मादयः भीमादेवेत् विज्ञातम् तन्मे नाम भविष्यति जदारुणश्चत्रैलोके महाभादाम् करिष्यति तदाहम् ब्राह्मणम् रूपगच्छाङ्गे यलभरम् त्रैलोक्यश्चाय बलिष्यामि महाधनम् ब्राह्मणेषु च मल्लोका सदा शोषन्ति सर्वतः इत्थम् विदाय राभादा दानभक्ता भविष्यति तदा तदा तदेयाहम् करिष्याम्ये सङ्ख्यया सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ विभूति का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ विभूति की स्तुति करते हैं माँ विभूति प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ विभूति के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को पूर्ण करें आपके कार्य सिद्ध करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनके अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं
आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान आगुरुनिदावादेना तथा पोते महर्णवे
अथ दर्जाया पद्धारा सकं
Oh.
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। इस बच्चे को थोड़ा बाहर चक्कर लगाए हो उधर।
रहे बंधु, बड़ा इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस मामा जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र सली पर बैठ करके आरती की परम पवित्र वेला में माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, जे धर्म कर्म करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में वे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, पुण्य कर्मी होते हैं, जिन्हें इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस प्रकार से इस शक्ति पीठ पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन जगत माता की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ भगवती आदिशक्ति इस गुफा के अंदर तीन दिव्य पिंडी गुरु विराजमान है, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। जो तीनों देवी, जो तीन शक्ति जो गुफा के अंदर जो एक साथ विराजमान है, जो मूल जड़ से एक ही पिंडी है, 5.5 फुट ये पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के तीन शक्ति बन गए, तीन स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्तियों के जो दर्शन जो है वह पिंडी गुरु में है। वास्तव में आद्य शक्ति जो है ये एक ही है। जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है उस समय यही भगवती आद्य शक्ति जो है तीन रूप में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। और जब देवतों का कार्य सिद्ध करने के लिए ये प्रकट होती है उस समय संसार में उत्पन्न कहलाती है। जद भी माँ भगवती आदि शक्ति प्रादुर्भाव अनेक प्रकार से हुआ ही, माँ वैष्णवी इन्हीं आदि शक्तियों से महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती इन्हीं आदि शक्तियों से इनका प्रादुर्भाव हुआ था। और भगवान श्री राम की आज्ञा से त्रेता युग में जय भगवती माँ वैष्णवी जहाँ पर आई और इस गुहा के अंदर माँ ने इस गुहा के अंदर इन्हीं दिव्य पिंडिक रूप में अपना रूप जो था संभाल लिया था। भगवान श्री राम ने जी आज्ञा दी थी कि जब घोर कलयुग आएगा तब मैं कल्कि का अवतार लूंगा, उस समय आपका वर्ण करूंगा और तब तक जो है उत्तर में त्रिकूट पर्वत पर वहां पर आश्रम में गवाह है, वहां पर आप जो है माँ भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती ये तीनों शक्तियां वहां विराजमान है, आप उन्हीं में बैठ करके आप तप करो और जन कल्याण करो। जो भी भक्तजन तेरे दर्शनों के लिए वहां पर आए उनकी मनोकामना पूर्ण करना, उनके कार्य सिद्ध करना, वहीं बैठ करके तप करना और मेरे आने की प्रतीक्षा करना। इसलिए माँ वैष्णव जो है इस गुहा के अंदर पिंडिक रूप में जो है जो तप कर रही है, जब घोर कल युग आएगा तब उनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी पापों का नाश करेंगी और भक्तों की रक्षा करेंगी। तो माँ वैष्णवी इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था। इसलिए जो परम पवित्र स्थली है जहाँ पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जात के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं और सब ओर से भक्त जन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, परिवार में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं और अपना सर्वत्र मंगल मंगल चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा जो है जी अवश्य करनी चाहिए। धर्म जो है कहा है शास्त्र में धर्मम चर, धर्म का आचरण करें और धर्म पूर्वक किए हुए कर्म जो है वो ही सुख को देते हैं, उसी से शांति प्राप्त होती है, उन्हीं से जो है धर्म कर्म करने से ही उन्नति होती है, विजय प्राप्त होती है और सर्वत्र मनुष्य जो है इस लोक में परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और परलोक में भी जो है वह कल्याण को प्राप्त होते हैं, वह परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए धर्म का जो है कभी त्याग नहीं करना चाहिए, मानव को चाहिए कि वह धर्म कर्मों का आचरण करें, धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि धर्मेण सुखम आसीत, धर्मेण सुखम आसीत, धर्म में ही जो है जी परम सुख तथा शांति जो है जो विद्यमान है और इसीलिए जो है मनुष्य धर्म के मार्ग पर जो है चल करके ही सुख शांति इस दर्शन तथा मोक्ष रूप जो है परम पद जो है जो प्राप्त कर सकता है।
धर्म कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, धर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है, धर्म करने से ही दुख दूर होते हैं और मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है। इसलिए धर्म का जो है कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा है धर्मान नाम प्रमदित अभ्यम, धर्म कर्म में कभी भी आलस जो है प्रमाद जो है ये नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले, जहाँ सत्संग हो रहे हैं, कोई कहे चलिए भाई सत्संग में चलते हैं, कहीं कोई माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उसने बोल दिया माँ के दर्शन के लिए चल रहा हूँ, आपके क्या इच्छा है। तो इसमें सोचना ही चाहिए, जब ऐसा मौका मिल जाए कहीं धर्म कर्म करने का तो तुरंत चल पड़े। जहाँ यदि कोई बुरा कर्म करने का ऐसा प्रसंग आ जाए तो उसके लिए विचारें सोचें, परंतु अच्छे कर्म करने के लिए जब भी मौका मिले तुरंत जो बिना विचारे चल पड़े। इस प्रकार से धर्म कर्म करने से मनुष्य जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कभी भी जो है धर्म कर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में जो है ये हमारे जो भारतीय ऋषि महर्षि जो हुए हैं, जे मुनिगण जी हैं, धर्म के बल पर ही जो है ये महान बने थे। यदि उनके आज नाम लिए जाते हैं बड़े आदर से जो है, उन ऋषि ने इस प्रकार कैसे धर्म कर्म करके ही उन भगवान का साक्षात्कार भी किए हैं, शास्त्र लिखे, कैसे तप किया और तप कर करके जो है भगवान की कृपा प्राप्त की। जब कृपा प्राप्त हुई तब जो कहते हैं उन तपस्वियों ने जो है कि जो उनने जब भगवान की साधना की, भगवान की कृपा हुई तो क्या हुआ, उनको आगम हुआ कि शास्त्रों का आगम जो है, क्योंकि वेद जो है ये वेद बने कैसे, सबसे पहले जो है उनको आगम हुआ, फिर जो उनको श्रुति हुई सुनाई देने लगा, फिर स्मृति हुई याद होने लगा, जब याद होने लगा तो उन ऋषियों ने लिखना प्रारंभ कर दिया, जब लिखा तो फिर वे वेद कहलाए। तो इसलिए जो पहला नाम जो वेद का वह आगम है, फिर श्रुति है, फिर स्मृति है, फिर वेद हुई। तो इसलिए उन ऋषि मुनियों ने जो है जो धर्म के मार्ग पर चलते धर्म अनुकूल कर्म करते हुए वह ऋषि जो है महान हुए थे। इसलिए धर्म एव होतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो होतो विधीत। इसलिए जो है धर्म के बल पर ही जो है जो महान बने थे। धर्म एव होतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि आप धर्म का पालन करेंगे तो ही जो धर्म आपका पालन रक्षा करेगा, और यदि आप जो धर्म का त्याग करेंगे तो धर्म भी आपका त्याग कर देगा, धर्म ही आपकी रक्षा नहीं करेगा। रक्षित के धर्म ही जो है वही आपकी रक्षा करेगा। इसलिए जो मनुष्य जो है धर्म का जो है अतिक्रमण उल्लंघन जो है करते हैं, अर्थात धर्म का परित्याग कर देते हैं, तो धर्म भी वही देह उसे क्षमा नहीं करता, धर्म भी उसका सर्वनाश कर देता है। जब भी धर्म का त्याग करोगे, और जिन्होंने जिन्होंने धर्म का त्याग किया है और धर्म पर चले हैं, आप देखिए रावण का क्या हुआ, कंस का क्या हुआ, सर्वनाश हुआ। तो इसलिए जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं वही कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है धर्म जो है उसका हमेशा पालन करें, कभी उसका त्याग न करें। और फिर कहा है मनुस्मृति में धर्म का लक्षण बतलाते हुए मनु महाराज जी कहते हैं द्विती क्षमा धमोस्तम सोच मंदिर निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो धर्मस्य धर्म दस लक्षण। जब धर्म के दस लक्षण जब बतलाए गए, यदि जीवन में एक लक्षण भी धर्म का एक लक्षण भी जो व्यक्ति जो है अपने जीवन में उतार ले, ऐसा संकल्प ले ले, तो वह उसी से उसका बेड़ा पार हो जाता है। एक लक्षण भी तो धृति क्षमा धैर्य, पहला लक्षण जो है क्या कहे धृति ही कि धैर्य जो है, जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं और कभी विपत्तियों में जो है व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, खूब भगवान की भक्ति करें, धर्म का त्याग न करें और कष्ट आए परंतु खूब भक्ति करें, भक्ति से ही पापों का नाश होता है, इसलिए धैर्य मत खोइए। फिर क्षमा, क्षमा का भाव जो है ये हमेशा रहना चाहिए, कभी किसी परिवार में कहीं बच्चे से गलती हो जाती है उसे ठीक ढंग से विस्तार से समझाएं, जो जो आपने काम किया है इसका परिणाम क्या हुआ, और इसको जो है यदि नहीं करते तो ये आपको लाभ होता और आपने जो जो कर दिया ये आपका नुकसान हुआ, इसलिए आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, भले प्रकार समझाएं, मार्गदर्शन करें, क्षमा का भाव रखें। तो इस प्रकार से फिर धमोस्तयम दम जो है इंद्रिय निग्रह जो है इस प्रकार फिर जो है अस्तेय कभी चोरी न करना, अस्तेय और सोच पवित्रता रखना,
फिर जो पवित्र रखे है मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, जे सब जो है जी सोचाचार में आते हैं, फिर जो इंद्रिय ग्रह इंद्रियों पर निग्रह करना धीर विद्या, धी धी विद्या को बुद्धि को कहते हैं, और विद्या फिर सत्यम सत्य बोलना, अक्रोधो कभी क्रोध न करना, जे जो है धर्म के 10 लक्षण बनाए गए हैं। और इस प्रकार से यदि व्यक्ति एक संकल्प ले लेता है, मैं जीवन कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, तो इसी से वह परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। धर्म जो है जे वास्तव में जो ही मानवता का जो है जे मेरुदंड होता है, जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी पर ही जो हम जो है सब ठीक प्रकार से हम चलते हैं, सब बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं। यदि हमारे रीढ़ की हड्डी में थोड़ी विकृति आ जाती है कहीं भी, तब कहते हैं कि इस प्रकार से आप तो डिस्क प्रॉब्लम होगी, चल नहीं चलते, चलने मुश्किल है, लेटने मुश्किल है। तो इसलिए जो मेरुदंड जो होता है, तो कहा है कि इसी पर जो मनुष्य चलता है, तो कहा है कि धर्म इसी प्रकार धर्म जो है जो मानवता का जो है जो मेरुदंड है, जो है धर्म से विचलित हो गए तो जो है आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। और जीवन सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा धर्म ठीक प्रकार से उसमें कभी विचलित न हो, ठीक प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते चले, उसके लिए जो है एकमात्र माँ की शरणागति ही। जय भगवती जी है दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी आते ही, आज रक्षित वारा ही धर्म रक्षित वैष्णवी, यशा कीर्ति लक्ष्मी च, यशा कीर्ति च लक्ष्मी च, धनम विद्यम चक्रणी। आजो की रक्षा जो है माँ बारा ही जो है रक्षा करती है, धर्म रक्षित वैष्णवी, माँ वैष्णव जो है जो धर्म की रक्षा करती है जिसके चरणों बैठे हुए। इसलिए जो माँ वैष्णव की आराधना उपासना करते हैं वह कभी धर्म से विचलित नहीं होते, और इस प्रकार से वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए माँ वैष्णव की पूजा जी सब ओर से परम कल्याण को देने वाली। अतः धर्म जो है जे मानवता को जो है तोड़ता नहीं, जे मानवता को जोड़ता है। याद रखना, धर्म जो कभी तोड़ता नहीं है, जे जोड़ता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन कभी विघ्न बाधा नहीं आते, संकट में नहीं, धर्म जो है कभी संकट में नहीं डालता है, परंतु संकट से उबारता है, बाहर निकाल देते हैं। जो इस पर संकट भी आ जाते हैं, धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस संकट से आप देखिए। आप कहते हैं कि महाराज अमुक व्यक्ति को शनि की महादशा चल रही है, या अमुक ग्रह ठीक नहीं है, इसलिए इसकी दुर्दशा हो रही है, जो पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, आप जो भगवती की आराधना 40 दिन की उपासना कीजिए, जन 9 दिन की शक्ति पूजन कीजिए, तो इससे जो है सिद्धि प्राप्त होगी, कष्ट दूर हो जाएगा। तो धर्म जो है ये संकट से उभारता है, संकट से निकाल देता है। इसलिए धर्म कर्म का जो भी हमेशा जितना हो सके धर्म कर्म करें, और जो है धर्म जो है इतने नहीं जो है शत्रुता नहीं करता, बल्कि धर्म जो है जे मित्रता जो है जे प्रेम प्रीति तथा मित्रता की भावना को जो है जो उजागर करता है। इसलिए जो है जे युद्ध नहीं कराता है, जे शांति का साम्राज्य स्थापित करता है। केवल जो इतना ही नहीं कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना को जो है जागृत कर करके विश्व बंधुत्व जो है ये स्थापित करते हैं, ये धर्म है। धर्म कर्म करने से ही मनुष्य सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए धर्म नीति की जो है रक्षा के लिए ही कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जो थे, धर्म नीति की रक्षा के लिए ही राजा हरिश्चंद्र ने जो है अपनी पत्नी अपने पुत्र को जो है बेच दिया। इतने नहीं, स्वयं को जो है चंडाल के हाथों बिक गए, स्वयं भी पुत्र को भेज दिया, पत्नी को भेज दिया, और स्वयं जो चंडाल के हाथों जो है बिक गए। और धर्मराज युधिष्ठिर ने जो है जुगे में अपना सब कुछ हार दिया, सब कुछ हार दिया, और 12 वर्ष का वनवास का जीवन जो है उन्होंने वन में रहकर व्यतीत किया। फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास भी जो है उन्होंने किया। फिर जो है फिर भी धर्म का त्याग जो है इन्होंने नहीं किया, धर्म का त्याग नहीं, धर्म नहीं छोड़ा, ना राजा हरिचंद्र ने छोड़ा, ना ही महाराज युधिष्ठिर ने, पांडवों ने। वनवास भोगा, भन में रहे, अज्ञातवास भी भोगा, इस प्रकार कई प्रकार कष्ट भी आए, परंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, धर्म का त्याग नहीं किया। और धर्म में ऐसी शक्ति होती है जिसके बल पर जो है राजा हरिचंद्र जो थे वह पुनः जो है कहते हैं राजा हरिचंद्र जो है उन्होंने अपनी पत्नी पुत्र तथा अयोध्या का राज्य जो था राज सिंहासन जो था पुनः प्राप्त कर लिया था। धर्म पर ही,
धन में इतनी शक्ति है, और जयदेव महाभारत के युद्ध में भी जो है पांडव को ही विजय हुई थी, और सब प्रकार से वह कल्याण सब कुछ उसने प्राप्त किया जो खोया था जब प्राप्त कर लिया, इसलिए उन सब का जो है एकमात्र बल जो तो क्या था धर्म था, और धर्म के बल पर ही जो है उन्होंने जो सब कुछ प्राप्त किया, इसलिए कभी कैसा भी कष्ट आ जाए कैसी भी विपत्ति आई जाए कभी अपना धैर्य मत खोइए और जो धर्म का त्याग मत कीजिए, माँ भगवती के शरणक धोकर के माँ की जोत जगाए, माँ की स्तुति करें, माँ से प्रार्थना करें, माँ की आरती करें, परिवार एकत्रित होकर के जब देवतावर संकट आते हैं तो देवता इकट्ठे होते हैं और फिर इसी शक्ति की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना अद्भुत शक्ति होती है, तो जो है जब प्रार्थना करते हैं तो देवता की प्रार्थना करने पर माँ किस न किस रूप में जो प्रकट होती है देवता के सब कष्ट दूर कर देती है। इसी तरह से ये वरदान है भगवती का कि मृत्यु लोक में जो भी भक्तजन श्रद्धा युक्त होकर के मेरी आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, मैं उनके सब कष्ट जो है मैं दूर करूंगी। इसलिए जो भक्तजन परिवार एकत्रित होकर के कभी कैसा भी संकट आ जाए घर गृहस्थ में तो खूब माँ की भक्ति करें और प्रतिदिन करें, कभी कष्ट विपत्ति आ जाए तो समय माँ से विशेष प्रार्थना करें, परिवार एकत्रित होकर के हमसे कहीं भूल हो गई है माँ हमें क्षमा कीजिए, किसी क्योंकि जानने जानने में किसी प्रकार से हमसे कोई अपराध हुआ है तो माँ हमें क्षमा करें, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, जो जो कष्ट है इस कष्ट को दूर कीजिए। तो देखिए आपके जीवन में पहली बात तो कष्ट आएगा नहीं, यदि कष्ट आ भी जाएगा तो उसका पता नहीं चलेगा आया कैसे और चला कैसे गया। बोलो सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आप भक्तों के आरती की पर्वित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुए है। माँ वैष्णो देवी इसी तरह से अपने चरणों में आपको लगाए रखें, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करें, अपने दरबार में बुलाते रहें, अपना आशीर्वाद आपको देती रहें, और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरोत्तरशील हो, उन्नति को प्राप्त हो, और माँ वैष्णो हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मणिंद्र सिंह माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते श्री मणिंद्र जी। जयकारा शिरोवली का की जय। चूड़ी झुमका हार है प्यारा क्या कहना, 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 हो मैया का श्रृंगार है प्यारा क्या कहना, मैया का श्रृंगार है प्यारा क्या कहना, हो मैया का श्रृंगार है प्यारा क्या कहना, मैया का श्रृंगार है प्यारा क्या कहना, हो चूड़ी झुमका हार है प्यारा क्या कहना, चूड़ी झुमका हार मैया का क्या कहना, हो चूड़ी झुमका हार है प्यारा क्या कहना, चूड़ी झुमका हार है प्यारा क्या कहना। ताली नहीं, ताली के बाद माँ के दरबार तक पहुँचे एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। देख चांद शर्माए भक्तों, देख चांद शर्माए हो मैया के माथे की बिंदिया, देख चांद शर्माए भक्तों, देख चांद शर्माए भक्तों, देख चांद शर्माए, हा नाक किनत को देख के सूरज बादल में छुप जाए, सूरज बादल में
छुप जाए, सूरज बादल में छुप जाए। हाँ नाक मिनट को देख के सूरज बादल में छुप जाए, सूरज बादल में छुप जाए, बादल में छुप जाए। ओ झूमर मैया का है प्यारा क्या कहना, झूमर मैया का है प्यारा क्या कहना, झूमर मैया का है प्यारा क्या कहना, झूमर मैया का है प्यारा क्या कहना। ओ जुड़े झुमका हार है प्यारा क्या कहना, जुड़े झुमका हार है प्यारा क्या कहना। ओ मैया का श्रृंगार है प्यारा क्या कहना, मैया का श्रृंगार है प्यारा क्या कहना। बाकी चुनरी लाल गुलाबी, हाँ लाल लाल चोला मैया का चुनरी लाल गुलाबी, बाकी चुनरी लाल गुलाबी, बाकी चुनरी लाल गुलाबी। हो भक्तों की किस्मत की इस लाली के हाथ में चाबी, इस लाली के हाथ में चाबी, इस लाली के हाथ में चाबी। हो भक्तों की किस्मत की प्यारा क्या कहना।
जयकारा श्रीमन बोल सच्चे दरबार की जय। लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ, लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ। ब्रजिल की दासता साधी सुनाने दर पे आया हूँ, ब्रजिल की दासता साधी सुनाने दर पे आया हूँ। लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ, लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ। दिया था जन्म जब तूने खुशी सबने मनाई थी, दिया था जन्म जब तूने खुशी सबने मनाई थी। हरी हर लाल जू पूरी दया तेरी ही बाई थी, हरी हर लाल जू पूरी दया तेरी ही बाई थी। यहाँ कोई नहीं अपना मन पुलिस बन के आया, यहाँ कोई नहीं अपना मन पुलिस बन के आया। लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ, लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ। ब्रजिल की दासता सारी सुनाने दर पे आया हूँ, ब्रजिल की दासता सारी सुनाने दर पे आया हूँ। जहाँ अपने वगैरों का बुरा दस्तूर देखा है, बुरा दस्तूर देखा है, बिगड़ती में सदा अपनों को ही मजबूर देखा है, बिगड़ती में हनाओं को ही मजबूर देखा है। संभलती अब नहीं बिगड़ी खड़ी गर्दिश में आया, संभलती अब नहीं बिगड़ी बड़ी गर्दिश में आया हूँ। लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ, लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ। दिल की दासता सारी सुनाने दर पे आया हूँ, दिल की दासता सारी सुनाने दर पे आया हूँ। चोरों के पाप की कटरी रखी है सामने तेरे, चोरों के पाप की कटरी रखी है सामने मेरे, रहम कर आज मुश्किल में हटा उलझन के सब फेरे, रहम कर आज मुश्किल में हटा उलझन के सब फेरे। मुरादे मांगने में भी सच्चे दरबार आया हूँ, मुरादे मांगने में भी सच्चे दरबार आया हूँ। लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ, लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ। दिल की दासता सारी सुनाने दर पे आया हूँ, दिल की दासता सारी सुनाने दर पे आया हूँ। लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ, लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ, मात चरणों में जमाने का सताया हूँ। लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया हूँ।
जयकारा शरण वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। लघु भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकारा श्री राम बोल सजवार की जय। शेरा वाली माँ नैन मेरे रोते ने, नैन मेरे रोते ने। पद्मावत
सच्चे जो तुम्हारी माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पर्वित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पर्वित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान भव प्रज्ञा भान भव भूरि भूत करण धान कनिष्ठ भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ जलन व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यरत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशस्त मित्राणाम देश श्रीर्वर्चस आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानम् हीयते धनम् धान्यम् पशु भूपुत्र लाभ सत्संवत्सर दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपका सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से सुमृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, समय को बोलना चालू हो जाते हैं। ओम जय ओम जय अम्बे गौरी चंद्रमंद
मैया जोनी तर बीज हरे नहीं है
धन कुछ पास नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं है, काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया, हाँ नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया, धर्म मार्ग मुझको न सुहाते, धर्म मार्ग मुझको न सुहाते, सदा तुम्हारग मुझको भाते, चंचल तेरा ध्यान न करता, मन चंचल तेरा ध्यान न करता, वो पड़ा चपल ना दान शरण माया, क्षमा करो अपराध शरण माया, तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी, आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी, शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय, जय प्रभु श्री बोलो, जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, 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 जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, दरबार की जय। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, संभल कर बोलना, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो देहि, यशो देहि दिशो देहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, शान्तिः शान्तिः, क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। नमः
Good
वो सच्चे भगवान की जय।